पंजाब साडा किहड़े पासे नूं जा रहा है। आ टिमी चावला चला गया, उहदा गनमैन भी नाल चला गया, हुण तां पुलिस नूं भी पैण लग गए। एक आर पी जे अटैक होर हो गया पिछले 6 महीनों दे विच। वीरो 60 फरौती दीआं कालां रजिस्टर्ड हो गईआं। कई इहो जिहे भरा भी होणगे जिहड़े दब गए होणगे कि जे कोई पुलिस कोले पहुँच नहीं कीती होणी। उहनां दा अंकड़ा मैं तुहानूं दस नहीं रिहा कि कवां बदमाश भरा कवां गैंगस्टर भरा कवां भी। वीरो मेरे पुत्र नूं तुसीं आखरी मन लो, जे तुहाडा गुस्सा ठंडा हो गया तुसीं हुण किसे दा जवाक ना मानो। तुसीं पैसा कमाउणा है, रौले तुहाडे आपदे ने, सानू बली दे बकरे क्यों बनाई जांदे। पंजाब भर दे विचों दूर दुराडे इलाकों चों पहुंची सारी साध संगत सब तो पहला फतेह की सांझ पाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। मैं तुहाडा सब तो पहला धन्नवाद ही कर सकदा। हर एक संडे की तरह जो तुहाडे विच रोस है उवें दी उवें बरकरार है, बल्कि जिवें जिवें घटनावां हो रही ने उस तरीके दे नाल जिहड़ी तुहाडी चिंता तुहाडे मत्थे तो साफ पढ़ी जा सकती है। पंजाब साडा किहड़े पासे नूं जा रहा है। मैं पहले दिन ही ये बेनती करी सी सारे कि कवां बदमाश भरा कवां गैंगस्टर भरा कवां भी, वीरो मेरे पुत्र नूं तुसीं आखरी मन लो, जे तुहाडा गुस्सा ठंडा हो गया तुसीं हुण किसे दा जवाक ना मारो। तुसीं पैसा कमाउणा है, रौले तुहाडे आपदे ने, सानू बली दे बकरे क्यों बनाई जांदे। असीं बड़ी औखे सौखे हो के बच्चों इत्थों तक लै के आउने आ, डिग्रियां कराउने आ, पढ़ाउने आ, सारी जिंदगी साडियां। मैं तुहानूं अपनी गल दसां, दो पीढ़ियां साडियां लंघ गईआं। 40-50 साल मेरी माँ ने कठिन मेहनत की, उस तो बाद मैं 55-56 साल गाड़ते जिंदगी दे, तां जाके कितने एक बच्चा परवान चढ़िया सी। और तुसीं बड़ी आसानी दे नाल बड़े घिनौने अपराध ला ला के उन्हें जे करता उन्हें वो करता, उहदी मरन तो बाद भी छवि खराब करन दी कोशिशां तुसीं अज भी लगे हुए हो। वह ये करता सी, उहदे इहदे नाल लिंक सी। वीरो 20-22 साल का बच्चा जिहदे पिछे बदमाश भी पै जाण, उहनूं कोई प्रशासन वल्लों भी कोई खास सहूलत ना मिले, घरों भी कोई उहदा बंदा कोई सपोर्टर ना होवे, तां की करूगा बंदा। कला उहदे कोले सीगी, किवें ना किवें परमात्मा दा नां लै के उह लगा रहा, उह अपने मिशन दे विच कामयाब होया। उहने देश नहीं बल्कि विदेशों दे विच भी अपनी कलम दा अपनी आवाज़ दा लोहा मनवाया। और अज तुसीं इस गल दे गवाह बैठे हो सारे भी उहने अपनी मेहनत दे नाल बाहर है जिहड़ी अज भी साडी बिलबोर्ड ते चलदी है। अज तक कदे कोई धार्मिक गाना इस लैवल दे उत्ते कदे पहुँचे होए तां तुसीं सर्च मार के देख लो। कदे उहदी इह पहुँच सी। मैं यूके गया, मैनू NRI भरावां ने जिहड़े बंदे 30-40 साल तो उत्थे बसे हुए सी, 50-50 साल भी हो गए कई परिवारों नूं जिहड़े पुराने सी, उहनां ने मैनू इह गल बड़े माण नाल कही, कहिंदे सिद्धू सानूं बच्चों नूं पंजाबी नाल जोड़न दा इक बदल दे के गया। असीं चिंतित सी, साडी जिहड़ी मेरे पोते तीजी पीढ़ी आ गई सी इह इक शब्द भी पंजाबी दा बोलदे नहीं सी, परंतु हुण साडी गड्डी 'च भी सिद्धू दे गाने वजदे आ, साडे घरे भी सिद्धू दे गाने वजदे आ। मतलब इहने सानूं पंजाबी दी जिहड़ी गुड़ती दित्ती, जिहड़ी अगली साडी जनरेशन है उह अंग्रेज़ बन गई सी, सानूं पंजाबी नाल सानूं पग नाल सिद्धू ने जोड़िया, तां साडे लई प्राउड वाली गल सी। मैनूं भी बड़ा माण महसूस होया। बेशक मैं पुत्त नूं खोह के उस धरती दे उत्ते गया सी। पिछले साल मैं बेटे दे नाल उही जगह घूमिया सी, तो ऐतकी औखा तां बड़ा लग्या मैनूं भी,
लग रहा है जिदा खाली खाली फिरता हूं उस धरती के उत्ते। तो पिछले साल असी टूर के पापा ये देखो जे देखो, मतलब उन्हें मैंने खुद घुमाया से उन्होंने जगह के उत्ते। तो इस बार मैं एक बतौर अफसोस के तौर पर उत्थे पहुंचा सी, तो लोगों के जिहड़ा रोस सी, एक पाकिस्तान की बच्ची ने खड़े होकर आख्या भी साडा दिन भी सिद्धू के नाल चढ़ता सी, साडा शाम भी सिद्धू के नाल हुंदी सी, और सिद्धू ने जिहड़ा कौम का जो पंजाबी बोली का, मतलब उन्हें एक पाकिस्तानी मूल की लड़की ने भी जो ये शब्द कहे तो मैनू भी फख्र महसूस होया भी सिद्धू किसी सीमा के बिच नहीं बन्या जा सकता सी। वो हर एक धर्म का सी, वो हर एक देश का सी। न्यूजीलैंड के नाल नाल तुसीं देखिया होना भी कई टापू ने उहो जिहड़े केवल गोरियां दी वसों है, उत्थे हले अपने पंजाबी कोई पहुंचा तो उत्थों भी लोग कुछ आए भी साढ़े कोई ना मात्र पंजाबी वसों है पर साडियां क्लबां दे विच सिद्धू दे गाने वजदे हैं। ये एक कोई छोटी प्राप्ति नहीं सी, और साडियां ने सानूं एक हेट की नज़र ना वेख के इस बच्चे को इस तरह लांभे करता। मैं सोशल मीडिया से परसों सुनिया भी शायद मान साहब कह रहे थे भी वो साडा कोई झगड़ा नहीं सी कि आपस दे विच साडा स्टेजी रौला सी। मैं भी सहमत हाँ इस गल दे नाल, होर आपां की बटदा रौला सी अपना किसी नाल, स्टेज दा ही सी क्योंकि सिद्धू ने अपनी प्रतिभा दे नाल वड्डियां स्टेजां ते कब्जा कीता। एक समां सी जदों सिद्धू कनेडा दे विच पहली बार स्टेज ते चढ़िया तो उहदे हत्थों मैक हो रहे ने प्रबंधक, और एक समां अज दा सी उही प्रबंधक कहिंदे सी मैक तुसीं लओ तुसीं अगे आओ। ये उहदी कठिन मुशक्कत सी, उहदी दृढ़ता सी, उहने उस चीज़ नूं कामयाब किया। थोड़े याद होने मैं कई बार दर्शक कमेंटा के मैं पढ़ता कई बार लिखते भी वो बापू बलकौर सिंह तो जी एवें नाम लई है, तो मैं एवें नाम नहीं लैता। जो कुछ साडे नाल होया मैं कोई भी गल करा मैं आपदे दीन धर्म नूं गुरु ग्रंथ साहब नूं हाजर नाजर मन के कहना, उन्हें भी मैं स्टेज पर प्रेस के सामने बोलता मैं कोई यो जिहा शब्द ना कह जिहड़ा कोई निजी रंजिश वाला हो। ठीक है, किसी लाइन के भी आप जाने अपना बैर विरोध होंगे कॉम्पीटिशन होंगे एक किस्म का, पर वो पॉजिटिव होंगे, मतलब वो कोई अपना किसी का शरीरक नुकसान पहुँचाने की कोई मंशा नहीं होती। पर साडे नाल तां ये भी हो गई, असी किसी नाल कदे सिद्धू बोल गया होगा तपया होया जदों किसी ने उहदा गाना स्ट्राइक पाती, किसी ने उहदा चैनल अड़ाउण दीआं कोशिशां कीतीआं, किसी ने उहनूं स्टेज तों दिड़बे दी स्टेज 7 तरीक दी सीगी उस तों पहलां 30 दे करीब साडे ते परचा दे दित्ता जांदा है, तां फिर असी की कहीए। सानू स्टेज तो दूर रखण दीआं जिहड़ीआं कोशिशां उस बच्चे ने 5 साल दे स्ट्रगल च देखिआ मैं जिहड़ी चीज़ है, तां मैनूं कदे कदे लगदा भी शायद उह रैसट इन पीस है। उस बच्चे ने तरक्की कादी कर ली, उहदे मगर सारा सिस्टम ही पै गया। कदे कुछ पत्रकारां ने आर्म्स एक्ट का उहदे परता दर्ज करवाता, साडे कोल वीरो 147 कित्थों आ गई, सिद्धू 147 कित्थों लै आया, एक सोचने वाली गल है। पर आर्म्स एक्ट दवाता परचा साढ़े ते, मानसा साढ़े ते पहला परचा दिड़बे शो तो पहला कर दिता जाता है, जिहड़े गाने पिछे कीता जांदा है वह गाना गन विच पंज गोलियां तेरे पंज वीरां लई रखियां, साबी भिंडर ने गाना लिखिया और उसने गाया शायद कोई जट लाइफ नाम का कोई चैनल वो तो रिलीज़ किया कि ना साडा लल्ला ना खखा वो ना असी लिखिया ना गाया, परचा साढ़े ते और अज भी पिया इस गल। मैं सच कहना इस गल नूं, जे कोई बंदा अज भी चैक करे अज परचा हले मौजूद पिया रिकॉर्ड। कसूर साडा की सी भी असी दिड़बे का शो बुक कर लिया सी और जिहड़ा स्थापित कलाकार सी उह रिप्लेस करता सी उत्थों, उहनां नूं इह गल चंगी नहीं लगी, तां असी किवें कहीए भी परचा सरकार नहीं करता साडा। जिस किसी के हित प्रभावित होणगे फिर उह मैनूं कोई बंदा मेरे थल्लों कुर्सी खिंचदा तां मैं ही कोशिश करूँ भी उहनूं हथ पा के रखा बचा के रखा। इहो जिहीआं गल्लां ने अपने कोल कोई वाधू का इल्जाम लाउण लई किसे कोल नहीं। साडे वीर बिट्टू खेड़े का मर्डर हुंदा है, बड़ी मंदभागी गल, बड़ा मन शौक लग्या भी यार माँ का पुत नहीं मरना चाहिए। मैं बेटे नूं नाल लेके घरे जा के आए, अफसोस भी करके आए, नाल उस वीर नूं ये भरोसा भी दे के आए भी तैनूं कदे भी ऐ लगे
ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਥਰ 'ਤੇ ਆਏ ਨੂੰ ਜੀ ਐਂ ਕਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਨਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੀਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀਰੋ ਸਿੱਧੂ ਯੂਕੇ ਦਾ PR ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 9 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਆਪਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਨਹੀਂ, ਚੋਰ ਦੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬਾੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨਾ ਕਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਨਾ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਹੋਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਘਰ ਉੱਜੜ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਲਓ। ਆਹ ਟਿੰਮੀ ਚਾਵਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਇੱਕ RPG ਅਟੈਕ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰੋ, 60 ਫਰੋਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਾ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਬ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਹੀਨੇ ਦੀ 20 ਫਰੋਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਫਰੋਤੀ ਦੀ ਕਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਰੋਤੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਵੀਰੋ ਸਹੀ ਹੈ ਗਲਤ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੀਰੋ ਡਰ ਡੁੱਕਰ ਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਭੈ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਦਿਸਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਆਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਧੜਾ ਧੜ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 3 ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ ਵੀਰੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਜੰਟ ਮਰਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਨਮੈਨ ਸੀ, ਟਿੰਮੀ ਚਾਵਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਨਮੈਨ ਸੀ। ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਓ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਛਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਜੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਰਨਾਮੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਮੇਰੇ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਹ ਸਿੱਧੂਆਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ। ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਫਲਾਨਾ, ਵੀਰੋ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ 70 ਤੋਂ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣਦਾ, ਜੇ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ 100-125 ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਆਏ, ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਸਭ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ,
तो आप कोई ना कोई चंगा काम कर जाइए, चार जाना बचा जाइए, शायद परमात्मा के दर से अपनी भी हाज नहीं लगती है। ये कहता हुआ कोई शब्द वो घट कह गया, आम संगत माफ़ कर जो है। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतह।